Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. मेरे को देख के तो जब बच्चे को देखती हूँ दूसरों को, obviously सी बात है सीधा लटका के 24 घंटे मेरे साथ ये लटका रहे, एक बच्चे को कैसा फील होता होगा जब मेरे ही कंधों में दर्द हो जाता है सुबह से शाम तक लटकाए हुए, तो इसकी जांघों में या इसके शरीर में कितना ऐठन होती होगी। तो मैं भी चाहती हूँ मेरा बच्चा भी किसी के साथ खेले, बच्चों के साथ खेले, उठे बैठे, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो खेले किसी के साथ। वो 24 घंटे मेरे साथ ही रहता है, वो किसी के साथ क्या खेल पाएगा। किस्मत धोखा दे सकती है, ये दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन अगर इरादे बुलंद हों तो हर धोखे से लड़कर अकेले चलते हुए भी नई मंजिल बनाई जा सकती है। हालातों से लड़ा जा सकता है, जीता भी जा सकता है। ये महज कोई किताबी बातें नहीं बल्कि सच्ची खबर है। सुनने में आसान लगते इस बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य को सच कर दिखाया है नोएडा की चंचल। चंचल के पति ने जब उन्हें अकेला छोड़ दिया तो अपने सामने आन खड़ी मुसीबत के आगे चंचल ने घुटने नहीं टेके, बल्कि अपने एक साल के बेटे को अपने साथ लिए, अपने लिए, खुद के लिए एक नई मंजिल ढूंढी। मेरा नाम चंचल है और चंचल शर्मा है, और मैं यहाँ NI बिलीवर चौक पे 1.5 साल से ई रिक्शा चला रही हूँ। पूरी ऐसी आ गई थी कि मेरे को इसलिए शुरू करना पड़ा, कोई करने वाला घर पे था नहीं, ना मायके से कोई सपोर्ट थी और ना ससुराल से कोई सपोर्ट थी, तो इसलिए मेरे को ई रिक्शा मजबूरी में चलाना पड़ा अपने बच्चे को लेकर। मेरे हस्बैंड खर्चे को कुछ देते नहीं हैं, अगर उनसे कपड़े मांगो तो बोलते हैं खुद कर लो, हर चीज़ के लिए इग्नोर करते थे। तो इसलिए मैंने सोचा आगे बच्चा भी है, उसको भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, अगर मैं कुछ से नहीं करूंगी तो क्या होगा फिर, तो उनसे मेरा कोई मतलब इतना नहीं है और मैं खुद ही अपना खारी कमा रही हूं। पति से अलग होने के बाद चंचल नौकरी भी तो कर सकती थी, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। चंचल के बारे में जब हमें पता लगा तो ये सवाल हमारे मन में भी था। नौकरी करने के सवाल पर क्या कहती है चंचल? मैंने नौकरी में सोचा कर लूं, पर नौकरी फिर बाद में सोचा कि बच्चे को कौन रखेगा, और मैं किसी के ऊपर ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। बहुत छोटा था, 2 महीने का था ये जब मैं घर से कमाने के लिए निकली, तो इसलिए मैंने इसको किसी के पास छोड़कर ये सोचा कि अपने पास रखूँगी। सर्दियों में हो गर्मी, कितनी गर्मी पड़ती है, गर्मी हो या सर्दी हो, अपने साथ ही इसको लेकर के ई रिक्शा चलाया। एक महिला के लिए ई रिक्शा चलाना कोई सामान्य बात तो है नहीं, ये एक बिल्कुल ही नया प्रयोग था। ई रिक्शा चलाने का आइडिया कैसे आया, कैसे उसने उसे चलाना सीखा, किसने सिखाया, ये सब बातें चंचल की कहानी का बेहद ही अहम हिस्सा है। मेन पर्पस मेरा यही था कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, तो इसलिए मैंने गोद में पहले एक दिन किसी का किराए पे लेके देखा, चला के देखा। इसने एक पहले दिन बहुत तंग करा, दूसरे दिन थोड़ा तंग करा, तीसरे दिन इसने फिर ठीक रहा, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने इसलिए चालू कर दिया यही काम करना। हाँ, मुझे चलाना आता नहीं था, मैंने 1-2 बार चलाना सीखा, किसी को 300 रुपये दिए क्योंकि उनका किराया मरता था, थोड़ी बहुत देर के लिए मैंने उनको 300-300 रुपये दे के तब मैंने रिक्शा चलाना सीखा। उसके बाद फिर मैंने रेंट पे खुद लेके रिक्शा चलाना चालू कर दिया। चंचल सारा दिन कैसे गुजारती हैं, कब कब काम करती हैं, कब आराम, और आराम भी हमेशा घर पे नहीं होता, कभी कभी सड़क किनारे ही बच्चे को गोद में लिए चंचल को आराम करना पड़ जाता है। सुबह उठती हूँ 6:30-7 बजे करीब मैं एजेंसी चली जाती हूँ। एजेंसी में जाने के बाद वहाँ से रिक्शा ले करके उसका दूध वूध गर्म करके सब कुछ पैकिंग वगैरह सब कुछ करके एजेंसी में जाके रिक्शा लेके आ जाती हूँ, और फिर चला के 12 बजे फिर रिक्शा खड़ा करने चली जाती हूँ। फिर उसको चार्ज होने में 2-2.5 घंटे लगता है, फिर मैं उसके बाद अपने घर आ जाती हूँ, मम्मी या बहन की जो भी मतलब फ्री है उनके पास चली जाती हूँ 2-1 घंटे रेस्ट करने के लिए, और नहीं कोई अपने अपने काम में बिजी रहता है तो मैं वहीं ऑटो साइड में लगा करके NIV पे वहीं चटाई बिछा के बैठ जाती हूँ, और वहीं पे थोड़ी बहुत देर जितना देर चार्ज होता है उतनी देर मैं वहीं पे रह लेती हूँ, और फिर हम शाम को फिर चले जाते हैं। मेहनत तो चंचल बहुत कर रही है, लेकिन सारा दिन की इस मेहनत का नतीजा कमाई के मामले में कितना निकलता है, ये भी तो एक बेहद ही इम्पोर्टेंट पहलू है। मैं सुबह से शाम तक 600 या 650 का काम कर लेती हूँ, जिसमें मैं 300 रुपये अपने सर को भी देने होते हैं, जो गाड़ी का रेंट है उनको दे करके मेरे पास 300-350 रुपये बच जाते हैं,
उसमें मैं सारा खर्चा अपना देखना होगा। कभी कभी आसपास से गुजरते लोग कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमारे आपके दिल को एकदम चुभ जाता है। शुरुआत में ऐसे जुबानी कांटों का सामना भी चंचल को खूब करना पड़ा। तो अंदर मैं छोड़ने गई थी तो मेरा रिक्शा पलट गया था। रिक्शा पलटने के बाद एक लेडीज ने इतना गंदा जवाब दिया, वो सोच करके मेरे को, मतलब बहुत सोचती भी हूँ तो इमोशनल सा फील हो जाता है, उसने बोला हेमा मालिनी चला रही है रिक्शा। लेकिन ऐसे सभी तानों का सामना कर चंचल ने अपने लिए एक ऐसा ताना बाना बुन लिया है कि अब उसे दुनिया की कोई परेशानी हिला नहीं सकती। चंचल आपको नोएडा के सेक्टर 62 से लेकर लेबर चौक और काला पत्थर जाने वाले रूट पर ई रिक्शा चलाते नजर आ जाएंगे। आपकी मुलाकात कभी इस रूट पर चंचल से हो जाए तो हमारा ये वीडियो चंचल को दिखाना मत भूलिएगा, अच्छा लगेगा उन्हें। आपने ये वीडियो देखा, मैं था आपके साथ राहुल भारद्वाज, देखते रहिए न्यूज़ तक। बहुत बहुत शुक्रिया।